अस्सलामुअलैकुम। ये आज का हमारा दूसरा लेक्चर है। इट्स सेकंड लेक्चर ऑफ पब्लिक सॉरी पॉलिसी एनालिसिस पार्ट वन। एनालिसिस, व्हाट इज़ एक्चुअली एनालिसिस? इफ अगर हम इसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें, तो व्हेन एवर यू कम अक्रॉस एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू एनालाइज द सिचुएशन। ठीक है, आप उस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और उसके बाद आप प्लान करते हैं कि हाउ टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। और टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन मीन्स कि इस तरीके से आप उस सिचुएशन से बाहर निकलें कि आप ना मतलब आप अपना नुकसान ना करें। मीन्स कि आप बेस्ट इंटरेस्ट आप अपना सिक्योर करें और उससे बाहर निकलें। तो ये तो एग्जांपल हो गया आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। अब फॉर एग्जांपल देर इज़ अनदर एग्जांपल, लाइक दिस कोविड-19 हैज़ हिट द होल वर्ल्ड, एंड जिस रेट से ये फैलता जा रहा है और जिस रेट से ये पाकिस्तान में भी बढ़ता जा रहा है, गॉड फॉरबिड्स, ऐसे लगता है कि मतलब इट वुड गेट किल थाउजेंड्स ऑफ पीपल और हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। सो अब पाकिस्तान में जो सिचुएशन है, जो कोविड-19 की वजह से क्रिएट हुई हुई है, तो दिस इज़ अ सिचुएशन। अब इस सिचुएशंस को जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं गवर्नमेंट लेवल पे, वो बैठते हैं, इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। एनालाइज करके बाद करने के बाद जो बेस्ट अवेलेबल सॉल्यूशंस हैं उसको अप्लाई कर रहे हैं। व्हाई? ओनली टू सिक्योर एवरीवन, टू सिक्योर एवरीवन्स लाइफ, बिजनेस और रोज़मर्रा की जो रूटीन है। तो मतलब अब ये कोविड-19 से जो सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है, इसको गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स हैं, इन्होंने इसको एनालाइज किया है। एनालाइज के बाद जो सोल्यूशन है वो दिया है। तो अब एक इंडिविजुअल की लाइफ में जो सिचुएशन क्रिएट होती है, उसकी भी मैंने एग्जांपल दी, और गवर्नमेंट लेवल पे कोविड-19 की भी मैंने एग्जांपल दी। सो इन शॉर्ट एनालिसिस ये है कि मतलब आप कोई भी प्रॉब्लम जो आता है किसी सोसाइटी में, किसी स्टेट को, किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को, इंटरनेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, तो उस सिचुएशन को एनालाइज करना। और अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन में हम कहेंगे वी वांट टू लर्न हाउ टू लुक एट प्रॉब्लम्स फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स टू अचीव द बेस्ट प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड फिजिबल सॉल्यूशन। और एक और इसकी डेफिनेशन है, ए प्रॉब्लम वेल फॉर्मुलेटेड इज़ अ प्रॉब्लम हाफ हाफ सॉल्व्ड। तो फॉर एग्जांपल जब हम किसी भी सिचुएशन में स्टक ऑफ होते हैं गवर्नमेंट लेवल पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटरमिन करते हैं कि वेदर अ न्यू पॉलिसी इज रिक्वायर्ड टू एड्रेस द प्रॉब्लम, कि हमें नई पॉलिसी चाहिए, और द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉलिसी कैन डिटरमिन, मीन्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है या वो इस चीज़ को सॉल्व कर सकती है। तो इन दोनों को कंपैरिजन करना है, आइदर वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ न्यू पॉलिसी या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो पॉलिसी है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करने के बाद हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसके अलावा एनालिसिस करने से आपके लिए डिसीजन बहुत ईजी हो जाता है। और पॉलिसीज आप एनालाइज करने के बाद सोल्यूशन उसका प्रॉपर दे सकते हैं। और ये सारी सिचुएशन को एनालाइज करते हुए जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं या जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, दे वुड बी कमिंग अक्रॉस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस ऑफ पब्लिक पॉलिसी प्रॉब्लम्स। एंड लाइक जैसे भी हमने कोविड-19 की एग्जांपल दी है, तो कोविड-19 में इवन इफ यू आर हैविंग
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेड, यूरोपियन यूनियन स्टेट्स रिप्रेजेंटेटिव्स, एंड इवन इफ़ यू हैव रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम यूएसए, इफ़ दे आर ऑन द टेबल विद यू, दे कैन नॉट गिव यू अ प्रॉपर सोल्यूशन टू इट. सो देर मे बी अ सोल्यूशन, देर मे बी अ प्रॉब्लम जहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट हो डिसीजन लेना, और काफ़ी सारे चैलेंजेस हो. लाइक फॉर एग्जांपल, अब जैसे COVID-19 में आप द होल वर्ल्ड इज़ गोइंग फॉर लॉकडाउन, बट यू कैन नॉट गो फॉर अ कंप्लीट लॉकडाउन. व्हाई? बिकॉज आवर इकोनॉमी इज़ ऑलरेडी ऑन द ब्रिंक ऑफ ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स. तो वी कैन नॉट टेक रिस्क. एंड अदर देन दिस, इफ वी वुड नॉट जनरेट मनी थ्रू दिस बिजनेस, वी हैव टू पे द इंस्टॉलमेंट्स ऑफ द डेट दैट वी हैव टुक इन द प्रीवियस ईयर्स. सो एंड इन अदर केसेज लाइक पाकिस्तान इज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री और अ डिवेलपिंग कंट्री, सो पाकिस्तान डजेंट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट इट्स पुअर क्लास. दो देवर हैविंग सम मनी थ्रू विच द पीपल वर सपोर्टेड, लाइक 12,000 वर बींग पेड टू ईच फैमिली. सो वो पे करने के बाद 12,000 ईच टू एवरी सिंगल फैमिली, उसके बाद वी आर नॉट लेफ्ट विद इनफ फंड्स. सो अब ये चैलेंजेस जो चैलेंज है पब्लिक पॉलिसी की, तो इसको एनालाइज करते हुए तो ये चैलेंजेस यही है कि मतलब हम प्रॉपर एग्जैक्ट सोल्यूशन पे नहीं जा सकते. ये जो COVID-19 की चैलेंज है, तो एक और जैसे फॉर एग्जांपल द कंसेंसस ओवर सोशल गोल्स मे बी इल्यूजनरी. तो लाइक फॉर एग्जांपल आप एक तबके को का लॉकडाउन कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जैसे ये शादी हॉल वगैरह हो गई, ये आप बंद कर देते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आप खोल देते हैं. तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जितने भी रिलेटेड फैमिलीज हैं, बिजनेस हैं, तो वो दे वुड कम अगेन ऑन ट्रैक. बट जो आपने शादी हॉल्स वाला बिजनेस बंद किया हो या ट्रांसपोर्ट वाला बिजनेस बंद किया हो, उससे बहुत सारी फैमिलीज इफेक्ट होंगी. तो इससे क्या होगा, प्रेशर ग्रुप्स आएंगे, मतलब मीडिया के थ्रू ये जो जिन लोगों की इनकम वगैरह अफेक्ट हो रही है, वो मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू कैंपेन करके गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे, और दे मे नॉट फॉलो द SOPs ऑफ द गवर्नमेंट, और शायद वो उसकी वायोलेशन करें तो वो वायरस और स्प्रेड होता जाए. सो इन शॉर्ट, एट टाइम्स देर आर सिचुएशन वेयर इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू टेक डिसीजन, एंड इवन इफ़ यू अप्लाई दिस एनालिसिस टूल ऑन द सिचुएशन, यू आर नॉट एबल टू कम अप विद अ प्रॉपर स्ट्रेटजी. इसके अलावा नॉर्मली देर आर थ्री अप्रोचेज टू पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस. फर्स्ट अप्रोच है एम्पेरिकल, और एम्पेरिकल मीन्स डज इट एंड विल इट एग्जिस्ट, लाइक फैक्ट बेस्ड है ये. और जो सबसे पहले मतलब एम्पेरिकल वर्ड आती माइंड में आता, मतलब फैक्ट बेस्ड है ये. अच्छा, वैल्यूएटिव मीन्स ऑफ व्हाट वर्थ इट इज़, एंड मतलब इसकी क्या वैल्यू है. और उसके बाद थर्ड है नॉर्मेटिव. नॉर्मेटिव मीन वैल्यू क्रिटिकल यू कैन से, और व्हाट शुड बी डन और व्हाट एक्शन शुड बी टेकन. एंड उसके बाद देर आर फाइव टाइप्स ऑफ पॉलिसी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट. एंड इन पांचों में सबसे पहला है, द फर्स्ट वन इज़ पॉलिसी प्रॉब्लम्स. पॉलिसी प्रॉब्लम्स मीन्स कॉन्सेप्टलाइजिंग प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स एंड वायबल सोल्यूशंस. और मीन्स के पॉलिसी में प्रॉब्लम्स देखना,
उस सिचुएशन को डिफरेंट एंगल्स के थ्रू एनालाइज करके। और उसके बाद है पॉलिसी फ्यूचर, मींस आइडेंटिफाइंग कंसिक्वेंसेस ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, मींस के फ्यूचर में क्या पॉलिसी अपनाई जाए, या क्या कोर्स ऑफ एक्शन अपनाया जाए जिसके थ्रू हम हमें अच्छे कंसिक्वेंसेस मिले, मतलब उसके अच्छे रिजल्ट्स मिले। एंड द थर्ड वन इज़ पॉलिसी एक्शंस, मींस फॉरकास्टिंग एंड एवेल्युएटिंग कंसिक्वेंसेस ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, मींस जो हमारे पास सोर्सेज हैं उन सोर्सेज के थ्रू हम डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करें उस चैलेंज को मीट करने के लिए। उसके अलावा हमारे पास है पॉलिसी आउटकम्स, मींस ये जो फोर्थ वन है पॉलिसी आउटकम, ये जो हमने फर्स्ट देखा पॉलिसी प्रॉब्लम, सेकंड पॉलिसी फ्यूचर, थर्ड पॉलिसी एक्शन, एंड द फोर्थ वन इज़ उसके बाद आता कंसेक्टिवली पॉलिसी आउटकम। वो पॉलिसी अप्लाई करने से हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, और रिजल्ट्स के बाद फिफ्थ वन आता है पॉलिसी परफॉर्मेंस। और पॉलिसी परफॉर्मेंस में मींस के रिजल्ट तो हर पॉलिसी के आते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे कि आइदर हमें लॉस हुआ है या बेनिफिट हुआ है। लॉस में होगा तो मतलब वी विल रिजेक्ट दैट पॉलिसी, एंड इफ वी विल हैव मैक्सिमम पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो वी मे वर्क ऑन दैट पॉलिसी अगेन, उसको मजीद प्रोडक्टिव करने के लिए। अदरवाइज मतलब ये दो ऑप्शंस ही होंगी। अच्छा, इसके साथ साथ ही देर आर अदर 5 पॉइंट्स जो कि पॉलिसी एनालिसिस प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी के हैं, उसको भी मज़ीद हम इस लेक्चर में ऐड करेंगे आज। तो उसमें सबसे फर्स्ट वन है जो प्रोसीजर है, उसमें वन बाय वन हम उसको देखेंगे, जिसे कहते हैं प्रॉब्लम स्ट्रक्चरिंग, और मीन्स कंडीशंस गिविंग राइज टू अ पॉलिसी प्रॉब्लम। वो कौन से वेरिएबल्स हैं उनको हम एनालाइज करेंगे जो कि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम दूसरा जो दूसरा है प्रिडिक्शन, मीन्स फोरकास्टिंग। हम उन वेरिएबल्स को देखेंगे जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और उसकी वजह से व्हाट फ्यूचर कंसिक्वेंसेस मींस हम क्या ऐसा करें, फॉरकास्टिंग मतलब हम क्या ऐसा करें, क्या ऐसे कोर्स ऑफ एक्शन अप्लाई करें, या अल्टरनेटिव्स हमारे पास मौजूद हैं जिसके थ्रू हम वी कैन इंक्लूड डूइंग जिसके थ्रू हम मीन्स फॉरकास्टिंग में ये है कि हम प्रेडिक्ट करते हैं कि हमें कोर्स ऑफ एक्शन क्या अप्लाई करना चाहिए। और उसके बाद है थर्ड वन प्रिस्क्रिप्शन, मीन्स रिकमेंडेशन। और इसमें होगा कि हमने क्या पॉलिसी और स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और उसके बाद है मॉनिटरिंग, द फोर्थ वन इज़ मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग मीन्स कि वी विल एक्चुअली कंपेयर द कॉन्टेम्प्रेरी अप्लाइड पॉलिसी विद द ऑलरेडी अप्लाइड पॉलिसी, एंड उसमें हम विल एनालाइज के मतलब विच पॉलिसी वॉज मोर प्रोडक्टिव, एंड इफ द कॉन्टेम्प्रेरी अप्लाइड पॉलिसी इज प्रोडक्टिव देन वी विल ऑल ऑब्वियसली बी फोकसिंग ऑन द सेम पॉलिसी, अदरवाइज वी मे गो बैक टू द प्रीवियस पॉलिसी।
अच्छा, उसके बाद है वैल्यूएशन, वैल्यू और वर्थ ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस सॉल्विंग द प्रॉब्लम। एट द एंड वी विल फाइनलाइज द रिपोर्ट एंड देन एट द फाइनल स्टेज वी विल डिसाइड दैट विद विद पॉलिसी वी आर गोना गो। सो ये आज हमारा जो पॉलिसी एनालिसिस का सेकेंड लेक्चर, लेकिन पार्ट फर्स्ट दैट इज़ कम्प्लीटेड। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी। एंड लेक्चर की टाइमिंग के दौरान आल बी ऑनलाइन इन द व्हाट्सएप ग्रुप। स्टे ब्लेस्ड।